आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हो रहा है। उसका जो फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे पूरी क्षेत्र में 16, 17, 18 सितंबर को यहाँ पे शुरू हुआ है आज। ये पूरे देश के अंदर में पिछले जो 2005 में जैसे एनआरएचएम शुरू हुआ है, तब से जो आशा वर्कर्स काम पे लगे हुए हैं और तभी से उनका आंदोलन भी शुरू हुआ है और ऑल इंडिया लेवल पे एक मूवमेंट बना है। 2009 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स CITU ने गठन किया है, उसके नेतृत्व में भी काफ़ी आंदोलन चला है। तो ये पूरा ये आंदोलन को एक फेडरेशन के रूप में और फॉर्मल एक पूरा ऑल इंडिया का फुल फ्लज ऑर्गेनाइजेशन का रूप देने के लिए ये आज का ये सम्मेलन हो रहा है। और ये अभी तक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी चल रहे थे, अभी एक फुल फ्लज एक फेडरेशन होगा जिसके अंदर में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, उनका रेगुलर फंक्शनिंग होगा, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन का एक रूप होगा। वो रूप से तो फिर वो सिस्टमैटिक काम होगा एक मूवमेंट बिल्डअप करने के लिए। उसका टास्क तो ले रहे हैं कि फेस बाई फेस एक तो आशा वर्कर्स का अपना इंडिपेंडेंट मूवमेंट अपनी फेडरेशन की तरफ से जो CITU का फेडरेशन है, फिर आशा वर्कर्स का जो एक साझा मंच जो है अलग अलग ट्रेड यूनियन को लेके उनका भी है, और एक स्कीम वर्कर्स के लिए जो CITU ने है, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और अन्य स्कीम वर्कर्स है, वो योजना कर्मियों का जो कॉमन डिमांड्स है उसको लेके भी पैरेलली आंदोलन तो हम चल ही रहा है। वो मूवमेंट के लिए भी कुछ टास्क हम ले रहे हैं। सर, जैसे हम स्टार्टिंग में लगे थे उस टाइम इतना बर्डन नहीं था, जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जा रहा हमारे पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। स्टार्टिंग में सर हमें NC और गर्भवती और बच्चों का टीकाकरण के लिए ही रखा गया था, पर अब जितने भी स्वास्थ्य विभाग के काम है ना, सारे आशा ऊपर के ही ऊपर थोप दिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर से स्टार्ट हो के स्टाफ नर्स का, NM का, कोई भी काम है सर, सब आशा वर्कर के बिना नहीं हो पाते। अब स्वास्थ्य विभाग का ऊपर का नीचे जितना काम है सब आशा वर्कर के साथ ही चलता है। पेमेंट सिर्फ 4,000 फिक्स हमारे, बाकी इंसेंटिव है बस, इसके अलावा हमारे कुछ नहीं है। बाकी काम हम सब करते हैं, डॉक्टर जो भी ऊपर से जो भी स्कीम आती है वो सब हम करते हैं। ये कोविड काल में जो आंदोलन, जो पूरा देश जो लॉकडाउन में बंद था, तो ये लोग तो काम पे जो क्या है कोरोना ये नहीं मालूम था, तभी से ये ड्यूटी में लगे थे और पूरे देश को कोरोना से बचाने की काम किया है। लेकिन उसके साथ साथ में जो है कि सैकड़ों आशा वर्कर्स का मौत हुआ है और उस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम हुआ है, उनके प्रियजनों का मौत हुआ है कि इसी के लिए, क्योंकि सरकार ने उनको कोई सेफ्टी मेजर्स वगैरह नहीं दिया। लेकिन वो काम में भी कोई कमी नहीं दिया और उसके साथ साथ में अपने हकों के लिए, अपने सेफ्टी गियर्स के लिए मई के महीने में ही, जो अप्रैल मार्च में लॉकडाउन लगा तो मई के महीने में ही बाहर आ गया और जो अपने सेफ्टी भूल नहीं हमें सुरक्षा चाहिए करके आंदोलन में शुरू किया था, और उसी से पूरा कोविड काल के अंदर में जनता का हर एक हक के आंदोलन के अंदर में आशा वर्कर्स का एक बहुत बड़ी भूमिका थी। कोरोना में सर हमने घर घर जाके, जैसे पहले मरीज देखते थे, घर घर जाके हमने कोरोना में पहले मरीज देखा, फिर मरीज के लिए दवाई देना, सारा सब ट्रीटमेंट हम घर में ही करते थे, उसके किट देना, और हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं थी सर। डॉक्टर भी उस टाइम OPD करना बंद कर चुके थे, हम घर घर जाके मरीज को देख के भी आई, उनको दवाई भी दी, मेडिसिन भी दी, उनका BP शुगर सब हमने टेस्ट किया सर। और जब इंजेक्शन शुरू हुए तब भी सर हमारा, पहले हम इंजेक्शन के लिए भी ड्यू लिस्ट बनाते थे, फिर पेशेंट के घर जाते थे, फिर उसके लिए यहाँ हॉस्पिटल में भी हम सब वो साथ में बैठ के इंजेक्शन लगाते थे, सब काम हम नहीं किया कोरोना काल में भी। घर भी गए और रजिस्टर भी हम नहीं मेंटेन किए सर, अब तक भी हम ही मेंटेन करते हैं रजिस्टर भी। सारे आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स महिला है, पैरा टीचर्स में भी ज्यादा महिला है, मिड डे मील वर्कर्स में भी ज्यादा महिला है, और आज के समाज में महिलाओं का काम क्या है, घर में परिवार को देखना, खाना बनाना, काम। बट अल्टीमेटली व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर दिस 80 लाख, मोर देन 80 लाख वुमेन? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
CIPO has been talking about the link between the policies and the issues. The government is bringing down the expenditure on social security payments, welfare measures. अभी सरकार जो बजट का एलोकेशंस है उसको कम करते जा रहा है और उसके यही नहीं जो भी सरकार का जिम्मेदारी बनता है स्वास्थ्य का शिक्षा का बाकी सुविधा देने का उस सभी का ऊपर जो सरकार का एक्सपेंडिचर कम करके जा रहा है ये सरकार का नीति है। 7-8 घंटा नहीं सर, 24 घंटे का काम है हमारा। अगर हम सुबह 9 से 4 अगर हम PSC या सब सेंटर में जाके आते हैं, उसके बाद भी अगर मरीज का हमारे पास फ़ोन आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ANC का फ़ोन आता है, तो हम फिर दोबारा हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। हालांकि सरकार बोलते हैं कि कोई अटेंडेंस नहीं लगती, जबकि अटेंडेंस नहीं लगती। हम तो चाहते हैं कि हमारी अटेंडेंस लगे, हम 9 से 4 काम करें, पर हम 24 घंटे काम करें, इंसेंटिव हमें उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। इसलिए तो बार बार सरकार से है कि हम काम करना चाहते हैं, काम कर भी रहे हैं। हम डॉक्टर से भी ज़्यादा हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर काम नहीं करते, पर हम जो भी काम होता है हम किसी काम के लिए जवाब भी नहीं दे रहे, पर सरकार की तरफ से हमारे पास सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं है। सहानुभूति से तो पेट नहीं भरता सर, किसी का भी नहीं भरता। इतनी महंगाई हो रही है, इतना हर चीज़ में महंगाई है, और आशा का सिर्फ इंसेंटिव घटा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री ने 5,000 बोले थे, अब तक तो वो भी नहीं दिए। कोरोना में 1,000 रुपये बोले थे, वो भी हमें कुछ महीने देने के बाद बंद कर दिए हैं, वो भी नहीं हमें मिल रहे हैं। हालांकि जिस मार्च तक के बोले थे, वो मार्च तक के भी हमें पूरे नहीं दिए गए हैं। जो ये हरियाणा के अंदर में देखा है, मैंने 100 दिन 200 दिन का ये लगातार आंदोलन चलता है, ऐसा भी हमने देखा है, और उसको दमनकारी नीतियों को, इधर में ESMA भी लगाया हुआ था सरकार ने आशा वर्कर्स के ऊपर, लेकिन उसको चुनौती देते हुए ही आंदोलन खड़ा किया था। तो वो उसको ऐसा जो तीखा तीव्र संघर्ष तो हम दिखाई देगा आने वाले दिनों में, तो ये इसलिए एक निर्णायक सम्मेलन होगा।